क्या तुझे ही एमएस की पढ़ाई करनी क्यों है? कौन सा काम रुका हुआ उसके बिना? सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है ना मासा? हाँ जगदीश, ठीक कह रहे हो बसंत। अरे इतने अच्छे से तो तू संभाल रहा है अस्पताल को, बढ़िया इलाज, बढ़िया देखभाल, अरे दूर दूर तक प्रशंसा हो गए अस्पताल की और तारी। मिट जावे गो तने जे आगे पढ़ के। आप लोग समझिए, एमएस का आधे साधा कोर्स मैं पहले ही कर चुका था, सिर्फ एक सेमेस्टर बाकी है, इसे बीच में छोड़ा आया था मैं। और उसका अफसोस मुझे आज तक है। अगर इस बार ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो मेरी जिंदगी का एक अफसोस खत्म हो जाएगा, और एमएस पूरा करने के बाद मैं अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, सर्जरीज कर पाऊंगा जो अभी नहीं कर सकता मैं। फिर मुझे अपने मरीजों को सर्जरीज के लिए जोधपुर और जयपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सोचे कितना फायदा होगा उन्हें। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे जाने के बाद यहाँ अस्पताल कौन संभालेगा? माना लाल सिंह यहाँ पर है, वो सब देख रहा है, बल्कि जब तू नहीं था तो भी सब कुछ वही संभाल रहा था, लेकिन तेरे आने के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं चक्या, और अस्पताल का काम भी बहुत बढ़ गया है पहले से। तेरे जाने से बात सिर्फ 6 महीने की है बापू साहब। अरे 6 महीने कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और फिर मैं टच में रहूंगा सबके, डेली बेसिस पर रिपोर्ट लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करूंगा मैं, सब मैनेज हो जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो हम खोएंगे अगले 6 महीनों में वो आने वाली पूरी जिंदगी के मुकाबले बहुत कम है। वैसे तो किसी को मेरी राय की जरूरत ना है इस घर में, पर मैं नहीं चाहती कि चकिया मुंबई जाए। शहर कभी रास ना आया है तुझे, दुख तकलीफों के अलावा और कुछ ना दिया है उस शहर ने, ना तुझे ना हमें, और सब कुछ जानते बूझते से दोबारा वहां भेजना है, ये तकलीफों को बुलावा देना है। ना चकिया, मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ना हूं। देख चकिया, चकिया गलत मत समझ मुझे, तेरी तरक्की के आड़े ना आना चाहती हूं मैं। कोई माँ भला कभी चाहेगी कि उसके औलाद तरक्की ना करे? तुझे आगे की पढ़ाई करनी है ना, तो जा किसी भी शहर चला जा, पर मुंबई, अच्छा क्या मुंबई नहीं, मैं ना जाने दूँ। मैं आपके डर को समझता हूँ, लेकिन बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ, जो दर्द आपको सहन करना पड़ा, उसके लिए मैं जिम्मेदार था। मेरी गलतियां थी, मेरा बचपना था, इसमें उस शहर की कोई गलती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज मैं थोड़ा बहुत भी काबिल बन पाया तो उसी शहर की वजह से, और मैंने उसी शहर के उसी कॉलेज को इसलिए चुना एमएस करने के लिए क्योंकि वहाँ की पढ़ाई का तरीका, वहाँ के लोग सब जाने पहचाने हैं मेरे, और दूसरे किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, अब वक्त काफ़ी निकल चुका है वहाँ, और इस कॉलेज के डीन खुद आगे होकर मेरी मदद कर रहे हैं एडमिशन के लिए, और रही बात मेरे बीते हुए कल की, तो वो कल और कल वाला चकिया दोनों बहुत पीछे छूट गए। मां
अब मैं वो कमजोर और गैर जिम्मेदार जगह नहीं, हालातों का सामना करना सीख लिया है मैंने। मेरा भरोसा कीजिए और मैं वादा करता हूं आपसे, इस बार आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। एक लास्ट चांस है मेरे पास, अगर एक बार मेरी शादी हो गई साथ छह महीने की बात है मां, अगले छह महीने तक अपने बेटे पर भरोसा कर लीजिए प्लीज। चकिया, चकिया मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू जहां जाना चाहता है जो करना चाहता है मैं तेरे साथ हूं। चल मारे साथ। तेरी माता ने खूब तरक्की देवे, जीवन में खूब सुखी रहे, तू खूब आगे बढ़े। इन्हें अपने साथ रखना, जो कुछ भी ठानी है ना तूने करने के लिए, उसमें पूरी सफलता दे देंगे। तेरे सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो, आप ही को फोन करने जा रही थी कि आप ही का कॉल आ गया। देखा कितने दिल से याद करती हूँ मैं आपको। सारा खेल दिल का ही तो है सांची। ऑफ कोर्स। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरे कॉल पर व्यस्त है। बस छह महीने की बात तो है। छह महीने आपको कम लगते हैं? और ये एमएस का कोर्स आपने पहले क्यों नहीं कंप्लीट किया? अगर पहले कर लेते तो मुझे इतने लंबे टाइम के लिए आपसे अलग नहीं रहना पड़ता ना। सांची काम डाउन, इन छह महीनों के बारे में सोचने के बजाय ये सोचो कि इन छह महीनों के बाद मुझे क्या मिलेगा। मेरी क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, सर्जन बन जाऊंगा, मैं सर्जरीज कर पाऊंगा, अपने अस्पताल को आगे बढ़ाकर मरीजों का और ध्यान रख पाऊंगा, उनकी मदद कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब का फोन व्यस्त आ रहा है, फिर से कोशिश करती हूँ। नहीं, जब वो बात करना चाहेंगे तो खुद फोन कर लेंगे, मुझे उन्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं सोचना चाहिए अगले छह महीने तक अपनी पढ़ाई के सिवा। और छह महीने होते ही कितने, यूं ही बीत जाएंगे। जिसके लिए आपके बिना एक दिन काटना भी मुश्किल हो, उससे आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन आपकी बात भी सही है, MBBS के बजाय MS में ज्यादा दम है। एंड आई होप कि MS कंप्लीट करने के बाद आप मेरी एडवाइस मानकर अपने बोरिंग से शर्ट पैंट छोड़ करके सूट पहनना शुरू कर देंगे। मैं तो बस मजाक कर रही थी जगदीश। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, इन छह महीनों में आपका MS भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा MBA भी, और फिर हम दोनों की शादी, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, जिंदगी का हर एक पल साथ में बिताएंगे।
खूब सारा प्यार, खूब सारी मस्ती। I just can't wait, जगदीश। पता नहीं ये 6 महीने कैसे गुजारूंगी मैं। खैर, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। हैप्पी जर्नी एंड गुड लक। थैंक यू, टेक केयर। यू टू। गंगा के इतने सारे मिस्ड कॉल्स। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 6 महीनों में तुम्हें भूल पाऊं गंगा। अच्छा फैसला लिया है तुमने जग्या। सोचा शादी करने से पहले ये अधूरा काम भी पूरा कर लूं, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। सच जग्या, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रहे हो। भगवान तुम्हारे मकसद में तुम्हारा साथ दे। थैंक यू आनंद। भैया माचिस का एक पूरा देना। तो जी नमस्कार काका। नमस्कार। ये गंगा मैडम का बेटा है ना? हाँ। ये लो बेटा, वेरी गुड। और आप काका? गंगा मैडम का। आप लोग राजस्थान से है ना? जी। और आप? मैं बाला, बाला चंद्रन, आपका पड़ोसी। कोई प्रॉब्लम हो आपको मैडम को बोलना मेरे को। मैं गया राजस्थान एक बार, वहाँ का कैमल सैंड वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपको मदद करने में खुशी होगी मेरे को। जी धन्यवाद, ऐसी कुछ बात होगी जरूर याद करूंगा। अच्छा चलता हूँ। काका और बच्चा बहुत अच्छा। आप लोग देखना चाहते थे ना कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। यह है मेरा कमरा, वो मेरा बेड है, वो मेरा कबर्ड, और वो किताबें रखने के लिए बुक शेल्फ। और जहां मैं बैठा हूँ ना, ये मेरी स्टडी टेबल है जहां पर मेरा सबसे ज्यादा समय गुजरता है। तो बताइए कैसा लगा आप सबको? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। माँ मुझे यहाँ कौन सी जिंदगी गुजारनी है, सिर्फ 6 महीने की बात है और वैसे भी मुंबई है ये, यहाँ घर ऐसे ही होते हैं। सच में मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। कैसे हो? और मनु कैसा है, ज्यादा परेशान तो नहीं करता? ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं करता। आप ठीक है ना डॉक्टर साहब? कॉलेज में सब अच्छा है? हाँ यहाँ सब ठीक है।
ओके समझ गए आप लोग? यस सर। गुड। तो अब आप में से कोई बताएगा कि एक हेल्दी नॉर्मल इंसान की पल्स रेट क्या होती है? बताओ। सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट। एब्सोल्युटली राइट। गुड गंगा। गंगा इनका चार्ट देना। सर मेरा नाम निशा है। आई एम सो सॉरी। अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तुम जरा इसे देखो, मैं अभी आती हूँ। जी। जगदीश को बताती हूँ। के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाना सीख रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? रिप्लाई सून। मेरे ख्याल से हमें मरीजों को अपने ही अस्पताल में लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देनी चाहिए, इससे उनके इलाज में तेजी भी आएगी और खर्च भी कम होगा। मैं बात कर लूंगा बापू सा से। फाइन। और कोई प्रॉब्लम? नो। मुंबई में रहने के बाद भी तू यहाँ की चीजों को जिस तरह से हैंडल कर रहा ना, ऐसा लगता नहीं है कि तू यहाँ नहीं है। अपना ख्याल रखना। यू टू। बात करता है तो बहुत खिलखिलाने लगता है। आपकी आवाज भूला नहीं है अब तक। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। गंगा तुमसे बाद में बात करता हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। जी आप भी। मनु तूने भी ला गया ना? ये डॉक्टर साहब की बातें कम हो गई। फोन भी इतने दिनों बाद आवे उनका। पढ़ाई से समय नहीं मिलता होगा ना, इसीलिए। और अब तो बस मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो हम लोग वापस जैसा चले जाएंगे, है ना? इंसान जब तक आशा का दामन थामे रहता है, विपरीत हालात में भी निराशा उसके पास नहीं फटकती। उसे तो जीवन के हर मोड़ पर आशा की किरण ही दिखाई देती है।